हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। एंड जैसा आपको पता है कि मैं डिफरेंट टॉपर्स टॉक शो लाता रहता हूँ, जिसमें कि हमारा मोटो ये होता है कि जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उन स्टूडेंट से हम ये जान सकें कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उनका फाइनल सिलेक्शन हो पाए। बहुत सारे बच्चे उसी क्लास में पढ़ रहे होते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो हमें इन सक्सेसफुल बच्चों से सीखने की ज़रूरत है। और मैं बहुत सारे ऐसे टॉपर टॉक के शो करे हैं। आज इस शो में हमारे साथ अवेलेबल है विपिन महावर। विपिन महावर ने 2020 में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर से कंप्यूटर साइंस में बीटेक करी और फिर इन्होंने प्रिपरेशन करी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। ये विपिन महावर इंजीनियर्स एकेडमी के जयपुर सेंटर के क्लासरूम कोचिंग के स्टूडेंट है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बैच के। और इनके बैच से मेरे को एक बात और याद आती है कि इनके बैच के 2020 के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अजमेर से भी कोचिंग करी थी, जिनमें एक स्टूडेंट था मनोज, जिसकी गेट में ऑल इंडिया रैंक 27 भी आई थी, वो भी आप ही के बैच के स्टूडेंट थे। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको सक्सेस मिली। आज हम विपिन से जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनको सक्सेस मिली केवल 6 महीने की प्रिपरेशन में, क्लासरूम कोचिंग में, इंजीनियर्स एकेडमी में इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, उन सब के बारे में आज अपन जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम विपिन, थैंक यू आप यहाँ पर आए। तो ये जितना मेरे को आइडिया था आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में वो तो मैंने बच्चों को बताया। आपको ये गवर्नमेंट, क्योंकि आजकल कंप्यूटर साइंस का सिनेरियो चल रहा है, बच्चे प्राइवेट जॉब की तरफ भाग रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट जॉब का चस्का क्यों लगा? सर, मेरे फैमिली में लगभग सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब है, ब्रदर गवर्नमेंट जॉब है, मेरी भाभी गवर्नमेंट जॉब है और अदर रिलेटिव्स हैं वो भी सर गवर्नमेंट जॉब में है, तो मेरे घर में जो माहौल है सर सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का ही है, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे भी जो है आगे गवर्नमेंट सेक्टर की प्रिपरेशन करनी। आपने 2020 में जब बीटेक किया उसके बाद का शायद पहला ही एग्ज़ाम है जो आपने दिया है गवर्नमेंट का? जी सर, ये मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था जो मैंने दिया था और ये क्रैक हो गया। ऑल राइट, जैसे आपने गोपालपुरा सेंटर पर 6 महीने के आसपास आपने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की प्रिपरेशन करी, तो ओवरऑल आप मतलब ओवरऑल आपके 6 महीने की प्रिपरेशन का इंजीनियर्स एकेडमी में कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो आप थोड़ा बच्चों के साथ शेयर करें। इंजीनियर्स एकेडमी देखा जाए तो दूसरी कोचिंग से काफ़ी डिफरेंट था, जैसे उनकी प्रॉपर क्लासेस लगती थी, उनके जो पढ़ाने का तरीका है वो काफ़ी अच्छा लगा कई सारे टीचर्स का, इनका जो कंटेंट है वो ऑल ओवर राजस्थान में जितने भी कोचिंग्स थी उनमें सबसे बेस्ट कंटेंट था। एक टेस्ट सीरीज़ इनकी बहुत अच्छी थी। टेस्ट सीरीज़ में मैं कहना चाहूँगा कि ये जो टेस्ट सीरीज़ है अदर कोचिंग्स में जो टेस्ट सीरीज़ थी उससे काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि जो पैटर्न हमारे इंजीनियर्स अकेडमी के टेस्ट सीरीज़ का था सेम पैटर्न जो है हमारे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के दोनों एग्ज़ाम्स में आया है, और ऐसा जो पैटर्न है वो किसी और कोचिंग की टेस्ट सीरीज में नहीं था। वो क्या पैटर्न था जो हमने फॉलो किया था? बहुत सारे बच्चे हमसे उस टाइम कहते थे अरे सर ऐसा पैटर्न फॉलो क्यों कर रहे हो आप, जबकि हम कहते थे नहीं नहीं यही पैटर्न आएगा, तो वो क्या पैटर्न था जो दूसरों से डिफरेंट था और यूनिक था? सर पहले तो मैं दूसरों का बता दूं, दूसरों का ये था कि उनकी जो टेस्ट सीरीज में था वो 70-80 क्वेश्चन जीके के डालते थे और 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का डालते थे। ओके, पर हमारी जो टेस्ट सीरीज थी इंजीनियर्स एकेडमी की उसके अंदर 50 क्वेश्चंस जो है मैथ रीजनिंग के होते थे और 50 क्वेश्चंस जीके के होते थे, और एकमात्र इंजीनियर्स एकेडमी है जिसके अंदर ये पैटर्न फॉलो करवाया जा रहा था, और ये सेम पैटर्न जो है एग्ज़ाम में आया, तो हमें एग्ज़ाम में जब हमने वो एग्ज़ाम में पेपर देखा तो हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई इसको सॉल्व करने में। जब विपिन आप यहाँ पढ़ रहे थे तो कई बार मैं एक बात और देखता था, कई बार बच्चे आके बोलते थे सर आपके जो टीचर्स हैं ना वो बड़े थोड़ा हाई लेवल के पढ़ा रहे हैं, कई बार ये कहते थे सर इसमें तो PGDCA वाले बच्चे अलाउ हैं, ओ लेवल के बच्चे अलाउ हैं, कोप्पा वाले अलाउ हैं, तो पेपर का लेवल तो सर ऐसे आने वाला ही है, लेकिन पेपर देखा और जिन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा उनके सबके हवा उड़ गई। तो आपका वो जो कई बार आप लोग भी आते थे सर इतना लेवल का क्यों पढ़ा, लेकिन मैं कहता था पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है, प्रीवियस कोई एनालिसिस नहीं है, लेकिन हमारा सिक्स सेंस और हमारा 10-12 साल का एक्सपीरियंस टेक्निकल एजुकेशन में हमें ये पता है कि कहाँ पर क्या आने वाला है, कुछ कुछ हमारे जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर हमें चीज़ों का नॉलेज है और हम बच्चों की भलाई के लिए सोचते हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट ही हमारा रिजल्ट है। तो जो आपको जो हाई लेवल से पढ़ाया और वास्तव में जब एग्ज़ाम में आया, एग्ज़ाम का लेवल देखा ही आपने, 10,000 सीट थी वो भी फिल नहीं कर पाई, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ सर, कई बच्चे आते थे और हमारी क्लास में भी डिस्कस होता था कि सर ये काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का पढ़ा रहे हैं, इतना लेवल नहीं आएगा क्योंकि इसमें PGDCA कोपा ओ लेवल है, उनको देखते हुए पेपर बनाया जाएगा। पर हमारे सर हमेशा हमें कहते थे कि वैकेंसी पहली बार है, हमें जो है हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हमें शेयर करने दो,
जो पेपर है वो अच्छे लेवल का आएगा। और सर ने ये भी कहा था कि जिस दिन पेपर होगा आप उस दिन देख लेना, लेवल यही आएगा। और वास्तव में यही लेवल आया है। अदर कोचिंग्स की मैं बात करूँ तो उनके स्टूडेंट हमें हमेशा अभी एग्ज़ाम होने के बाद में कहते थे कि पेपर काफ़ी हार्ड है, काफ़ी हार्ड है। बट हमारी कोचिंग से मेरे जितने भी फ्रेंड्स का हुआ है, हम किसी को भी पेपर इतना हार्ड नहीं लगा जितना कि बाहर लोग कह रहे थे। तो जो कंटेंट हमें प्रोवाइड करवाया गया है वो बेस्ट कंटेंट था। तो अल्टीमेटली देखिए कि आप यदि परसेंटेज सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो वो मैक्सिमम परसेंटेज सिलेक्शन यदि आपको मिलेगा तो वो इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग के स्टूडेंट्स का मिलेगा। हाँ, मैं इस बात की भी गारंटी दे सकता हूँ क्योंकि हमारा ये पिछला 10-11 साल का एक्सपीरियंस है टेक्निकल एजुकेशन में। तो वॉट एवर कंटेंट वी आर प्रोवाइडिंग, क्योंकि हम केवल कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की राजस्थान में नहीं, यूपी में UPLT की वैकेंसी होती है, बिहार में, झारखंड में, दिल्ली में, और भी जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं उन सबकी भी हम प्रिपरेशन करवाते हैं। तो हमें इस बात का एग्जैक्ट आइडिया रहता है कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। और मैंने MCQ के बारे में बताया कि MCQ में भी मेजर जो 3000 क्वेश्चन डाले गए हैं, आप बच्चों से बात करेंगे, रिव्यू लेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन उसी में से या उसी सिमिलर टाइप के आए थे। इंजीनियर्स अकेडमी या निम्बस लर्निंग के किसी भी स्टूडेंट को पेपर टफ नहीं लगा। क्यों? क्योंकि हमने एडवांस लेवल पर पहले ही वहीं से प्रिपरेशन करवाई थी जहाँ से हमें एक्सपेक्टेड था। एक पॉइंट और मैं आपको बता दूँ, आने वाले दिनों में इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट, IA, प्रोग्रामर और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भी वैकेंसी दोबारा से आ सकती है। इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट एंड प्रोग्रामर की तो आने ही वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट जो इन एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सस्ते के चक्कर में ना पड़े, क्वालिटी एजुकेशन देखें, क्योंकि आपके करियर का मैटर है और करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप कोई चांस लेंगे तो ये चांस आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए यदि आप IA और प्रोग्रामर की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से करें और हम आपके साथ में प्रिपरेशन करवाने के लिए रेडी हैं। हम आपको वो क्वालिटी एजुकेशन देंगे जो एग्ज़ाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, उन सब के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। उसके हम ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेज जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में विश यू ऑल द बेस्ट विशेज फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। अगले वीडियो में अगले स्टूडेंट के साथ टॉपर टॉक में फिर मैं आपको मिलवाऊंगा नए एक स्टूडेंट से। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.